हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अक्सर सबके घर में खाना खाने के बाद पूछा जाता है कि आज मीठे में क्या है ना। तो चलिए इस मीठे की क्रेविंग को दूर करते हुए आज हम बनाते हैं तीन सिंपल सी डिलीशियस सी डेजर्ट, जो बनाने में भी बहुत आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम बनाते हैं चॉकलेट पुड़ी। इसको बनाने के लिए हम यहाँ पर एक बाउल में आधा कप मिल्क लेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर, 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर डाल के इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब एक पैन में 3 से 4 कप मिल्क डाल देंगे और इसमें उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद इसमें हम डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच चीनी और ये कॉर्नफ्लावर कोको पाउडर का मिक्सचर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और लो हीट में 4 से 5 मिनट तक कुक करेंगे। चॉकलेट पुडिंग है ना, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चॉकलेट तो बनता है, तो इसलिए अब इसमें हम डालेंगे एक्स्ट्रा चॉकलेटी के लिए कुछ डार्क चॉकलेट और इस डार्क चॉकलेट को हम इस मिक्सचर में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा वनीला एसेंस एरोमा के लिए। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात। 4 से 5 मिनट बाद देखिए ये अब थिक मिक्सचर बन गया है। इस मिक्सचर को इस तरह से थिक रखना है ताकि ये सेट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाए। अब करेंगे गैस को ऑफ और इसको स्मॉल बाउल्स में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको 1 से 1.5 घंटे तक फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। डेढ़ घंटे बाद देखिए हो गया ना तैयार हमारा डिलीशियस सी चॉकलेट पुडिंग। अब बिल्कुल देरी ना करते हुए चलते हैं नेक्स्ट पुडिंग रेसिपी की तरफ, जो है रोज सिरप पुडिंग। इसके लिए हम वैसे ही सेम एक बाउल में आधा कप मिल्क और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब एक पैन में 2 से 3 कप दूध डाल देंगे और इसको उबाल आने तक गर्म करेंगे। दूध में उबाल आने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच चीनी और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिला देंगे लो हीट पर। देखिए ये मिक्सचर थिक होना स्टार्ट हो गया है। इस स्टेज में अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा वनीला एसेंस और 5 से 6 टेबलस्पून रोज सिरप और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इस मिक्सचर को 4 से 5 मिनट तक लो हीट पर ऐसे ही कुक करेंगे। पाँच मिनट बाद देखिए हमारा ये पुडिंग मिक्सचर भी रेडी हो गया है। तो अब हम गैस को करेंगे ऑफ। अब इसको हम स्मॉल बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको फ्रिज में सेट होने के लिए 1 से 1.5 घंटे तक रख देंगे। 1 से 1.5 घंटे बाद देखिए हमारा ये डिलीशियस सी रोज सिरप पुडिंग भी रेडी हो गया।
अब चलिए हम बनाते हैं हमारा थर्ड पुडिंग की रेसिपी जो है कॉफी पुडिंग। कॉफी पुडिंग बनाने के लिए हम एक बाउल में 3 से 4 छोटे चम्मच इंस्टेंट कॉफी पाउडर लेंगे। अब इसमें 2 बड़े चम्मच हॉट वाटर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब एक और बाउल लेंगे, उसमें 2 से 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे और 1/2 कप दूध डाल के इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब एक पैन में 2 से 3 कप दूध डाल के उसको उबाल लेंगे। उबाल आने के बाद उसमें ये कॉफ़ी मिक्सर, चीनी 3 से 4 बड़े चम्मच और कॉर्नफ्लावर मिक्सचर डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे और इस मिक्सचर को थिक होने तक कुक करेंगे। लगभग 5 से 7 मिनट तक लो हीट पर कुक करेंगे। अब ये मिक्सचर थिक हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बटर और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। 7 मिनट बाद देखिए, अब ये मिक्सचर रेडी हो गया है। अब इसको स्मॉल बाउल में ट्रांसफर कर देंगे और सेट होने के लिए फ्रिज में 1-2 घंटे के लिए रख देंगे। बाद लीजिए, हमारा डिलीशियस सी कॉफी पुडिंग भी रेडी हो गया है। तो गाइस, अगर आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए विद द बेल आइकन। ठीक अच्छी ना बंधुगण, सब्सक्राइब जमी तेले करिबो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव फन एंड एंजॉय।